ए भूतों चुड़ैलों खबीसों की दुनिया, ए बकलोल उन्नीस बीसों की दुनिया, ए अर्णब सुधीरों रवीसों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सीना वो सबसे चौड़ा है नाप छप्पनों का, वो संतरी हमारा वो बादशाह हमारा। गोदी में खेलते हैं जिसकी हजारों चैनल, गोदी में खेलते हैं जिसकी हजारों चैनल, रोशन है जिसके दम से कूचा हवा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, मैं विनीत जैन, मेरा नाम विनीत है और मैं ये कह भी सकता हूँ कि मैं काफ़ी विनीत हूँ। वरुण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने प्रधाननामा की इस वीडियो के लिए मुझे आमंत्रित किया और अपनी रचनाएं पाठकों तक श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए मुझे एक मंच दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने लिखना कैसे चालू किया। तो मैं जब कॉलेज टाइम में था, सागर यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो वहाँ पे संगोष्ठी वगैरह या फिर इस टाइप के इवेंट्स साहित्यिक जो होते हैं वो सब चलते रहते थे। और मेरा उसी टाइम पे जो मेरे कॉलेज वाला सर्किल रहा दोस्तों का, उनके माध्यम से पढ़ने में इंटरेस्ट जागा, तो कई तरीके की चीज़ें पढ़ीं, जैसे साहित्यिक जो भी हैं, लिटरेचर, क्लासिक लिटरेचर हिंदी का। इसके अलावा अशोक मिजाज बद्र साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने गज़लों की ओर खींचा मुझे। और इसके बैकग्राउंड में इसके पहले कवि सम्मेलन वगैरह सुनने का शौक़ तो रहता ही था, तो जैन कम्युनिटी के बेसिकली जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कवि सम्मेलन रखते ही हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तौर पे, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा। इसके अलावा मेरे बड़े भैया विशाल जैन, वो बैंक मैनेजर हैं, हिंदी कविताएं वो काफ़ी अच्छी लिखते हैं, तो उनसे भी एक प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे पढ़ते हुए ही लिखना सीखा, और लिखने के मामले में मैं पहले ही ये स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि मैं एकदम साहित्यिक जिसको कहते हैं या जो पैमाने हैं साहित्य के, शायद मैं उन तक उनकी तरीके से नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मेरी जो शैली है लिखने की वो बेसिकली सार्कास्म और व्यंग्यात्मक है। तो मैं व्यंग करने के लिए मेटाफोर यूज़ करता हूँ, रूपक यूज़ करता हूँ, और चाहे उन्हें कविता में ढालूं मैं या गज़लों में ढालूं या कोई व्यंग के रूप में ढालूं। हाँ, एक और चीज़ कि फेसबुक पे मैं लिखा करता हूँ, तो बेसिकली मैं ज़्यादातर गज़ल के फॉर्म में लिखता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें गज़ल नहीं कहा है, मैंने उन्हें कहा है पज़ल। पज़ल इसलिए कि एक तो है कि उसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी कोई और अर्थ छुपे होते हैं, तो पज़ल मैंने नाम दिया कि आप उन पज़लों को सुलझाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो व्यंग्यात्मक तरीके से ही लिखता हूँ। कई बार वो किसी क्लासिक शायर की पैरोडी हो सकती है या फिर वो मैं नए तरीके से काफ़िया और रदीफ़ यूज करके लिखता हूँ। तो शायर लुधियानवी साहब का एक फेमस नज़्म है कि ये महलों ए तख्तों ए ताजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस पे मैंने एक पैरोडी लिखी थी पिछले साल लॉकडाउन के दौरान, तो उससे मैं शुरुआत करता हूँ। ए ओझा ए जादू ए टोना की दुनिया, ए थाली परातों भगोना की दुनिया, जीवाणु विषाणु कोरोना की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ए खिलजी ए तुगलक ए लोदी की दुनिया, ए राजों नवाबों पटौदी की दुनिया, ओवैसी अमित शाह मोदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पुरस्कार की मैच फिक्सिंग की दुनिया, ए ट्रंपों पुतिन की ये जिनपिंग की दुनिया, ए बगदादियों जोंग उन किम की दुनिया,
ए दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ए लैला ए मजनू कहानी की दुनिया, ए ट्विटर पे बिगड़ी बयानी की दुनिया, ए अंबानियों की अदानी की दुनिया, ए दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ए डॉलर ए रुपया ए नोटों की दुनिया, ए खिसियाई बिल्ली बिलोटों की दुनिया, ए बिग बॉस वाले जलोटों की दुनिया, ए दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ए भूतों चुड़ैलों खबीसों की दुनिया, ए बकलोल उन्नीस बीसों की दुनिया, ए अर्णव सुधीरों रवीसों की दुनिया, ए दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ए शम्मा पे मरते पतंगों की दुनिया, ए सिम्बा ए सिंघम दबंगों की दुनिया, ए झगड़ा फसादों ए दंगों की दुनिया, ए दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ए शिष्टों अशिष्टों विशिष्टों की दुनिया, ए लिब्रान डूंगों सोशलिस्टों की दुनिया, ए योगी अजय सिंह विष्टों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये भक्तों भगतियों ये चमचों की दुनिया, ये नेतागिरी वाले गमछों की दुनिया, ये बंदूक कट्टों तमनचों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये गांजे के नशे में भंडों की दुनिया, ये गौमूत्र गोबर ए कंडों की दुनिया, ये नीले हरे लाल झंडों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये नल्लों की बेरोजगारों की दुनिया, ए टिकटॉक वाले सितारों की दुनिया, ए टेंडर पे भिड़ती जुगाड़ों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कफों पित्त वातों विकारों की दुनिया, ए कब्जों ए खट्टी डकारों की दुनिया, ए सर्दी और खांसी खखारों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। साहिल लुधियानवी साहब से बहुत माजरा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन इसको बहुत प्यार मिला फेसबुक पे सोशल मीडिया पे, इसके लिए सभी पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं एक पज़ल सुनाना चाहता हूँ, जो बेसिकली इकबाल के प्रसिद्ध नगमे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस पे आधारित है। तो सारे जहाँ से अच्छा रसोईया हमारा, सारे जहाँ से अच्छा रसोईया हमारा, हम गुलगुले हैं उसके वो डालडा हमारा, गुरबत में हों अगर हम तुरते परोसता है, लफाजियाँ मिलाकर वो नाश्ता हमारा, सीना वो सबसे चौड़ा है नाप छप्पनों का, सीना वो सबसे चौड़ा है नाप छप्पनों का, ऊ संतरी हमारा ऊ बादशाह हमारा, गोदी में खेलते हैं जिसकी हजारों चैनल, गोदी में खेलते हैं जिसकी हजारों चैनल, रोशन है जिसके दम से कूचा हवा हमारा, ए आबरूदे गंगा, आबरूदे गंगा मतलब गंगा मैया का प्रवाह, ए आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब ना खुदा हमारा, नेपाल ओ पाक चीना सबका समेटते हैं, नेपाल का हो पाकिस्तान का हो चीन का हो, नेपाल ओ पाक चीना सबका समेटते हैं, हमसे कभू ना सिमटा बस रायता हमारा, और कोई नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यूनिवर्सिटी में लेकिन है दाखला हमारा, यूनिवर्सिटी मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और कुछ बात है कि खुजली मिटती नहीं है उनकी, सालों से कोशिशों में है कीमिया हमारा, और इकबाल से मुआफ़ी हम हैं नहीं सहाफ़ी, इकबाल से मुआफ़ी हम हैं नहीं सहाफ़ी, पर हाल देखिए तो है तूतिया हमारा, तूतिया मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से। एक पज़ल और देखिए, ये बेसिकली किसी की पैरोडी नहीं है, ये खुद से लिखी थी कि बट रही हरसू पंजीरी ढोकला भी सेट है, बट रही हरसू पंजीरी ढोकला भी सेट है विटामिन सी बहर में आंवला भी सेट है, साथ हो तो बहुत बढ़िया ना रहो तो रासू का, साथ हो तो बहुत बढ़िया ना रहो तो रासू का, और CBI वाला मामला भी सेट है, काम की मत पूछिए उसमें नहीं रखा कछू, काम की मत पूछिए उसमें नहीं रखा कछू, मार्केटिंग है तो जूही चावला भी सेट है, और लेटरन से कर शुरू बुलेट रनों तक गुरु,
लेट रेन से कर शुरू बुलेट ट्रेनों तक गुरु, हो गई स्मार्ट सिटियां, उज्ज्वला भी सेट है, अर्थव्यवस्था को भी कड़वी दवा तैयार है, फंड की केयर्स करने की कला भी सेट है, और रोजगारी के सवालों के जवाबों में मियां, रोजगारी के सवालों के जवाबों में मियां, गांधियों का नेहरुओं का वलवला भी सेट है, और ढोल की थापों से पब्लिक को नहीं है काम कुछ, ढोल की थापों से पब्लिक को नहीं है काम कुछ, साउंड अच्छा कर रहा तो खोखला भी सेट है। एक और पजल, संतरों की बहुत बात होती है तो संतरा मेरा भी फेवरेट फ्रूट है, उसको लेके लिखी थी। मेटाफोर आप समझ लेना कि हर किसी ताले की चाबी संतरे ले आइए, ठीक में कर दें खराबी संतरे ले आइए, संतरे ही संतरी हैं, संतरे ही संत हैं, संतरे ही इल्कलाबी संतरे ले आइए, संतरे ही मंत्री हैं, संतरे श्रीमंत हैं, संतरों में कामयाबी संतरे ले आइए, संतरे वक्तव्य हैं और संतरे ही प्रश्न हैं, संतरे ही हैं जवाबी संतरे ले आइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ा के रात दिन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ा के रात दिन, लॉजिकों की नाक दाबी संतरे ले आइए। और ये सोशल मीडिया पे जो टर्मिनोलॉजी चलती है कि लिब्र अंडू बाम झंडू खांगरेसी चम्मचें, लिब्र अंडू बाम झंडू खांगरेसी चम्मचें, जब करें बातें किताबी संतरे ले आइए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक पत्रकार के लिए भूलवश किसी अपशब्द का प्रयोग कर दिया था, तो उसके बैकग्राउंड में लिखा है, लेकिन ऐसे अपशब्द की तरह ना लें, कॉपर सल्फेट बहुत पढ़ा है मैंने केमिस्ट्री में, तो उसको तूतिया बोलते हैं, तो उस पे पजल है कि तूतिया बस तूतिया है, तूतिया गाली नहीं, तूतिया बस तूतिया है, कॉपर सल्फेट है, तूतिया गाली नहीं, और तूतिया के जाप से कोई जुबां खाली नहीं, तूतिया ने तूतिया से कह दिया सुन तूतिये, तूतिया ने तूतिया से कह दिया सुन तूतिये, तूतियाई में कोई आला नहीं आली नहीं, तूतिया पा खुद ब खुद उगता गया बढ़ता गया, तूतिया पा खुद ब खुद उगता गया बढ़ता गया, तूतिया पे के बगीचे में कोई माली नहीं, सृष्टि के हर एक कण में तूतिया पा देखिए, तूतिया रस ना बहे ऐसी नदी नाली नहीं। और इसका आखिरी शेर, तूतिया पा प्रेम भी है ज्ञान भी है भक्ति भी, तूतिया पा प्रेम भी है ज्ञान भी है भक्ति भी, और तूतिया पे के बिना थाली नहीं ताली नहीं। लोग पूछते हैं कई बार कि पजल तो ठीक है, गज़ल के फॉर्म में भी कुछ लिखते हैं क्या? तो बेसिकली ये सब गज़ल के फॉर्म में ही है, लेकिन इसको लोग मानते नहीं हैं कि गज़ल है, तो हम कहते हैं कि ठीक है पजल है। मैं कुछ गज़ल भी सुना देता हूँ। ये बिल्कुल जब शुरुआती दौर में मैंने लिखना शुरू किया था, ये तब की गज़ल है। देखिए कि ना बयानों की ज़रूरत ना फंसाने चाहिए, ना बयानों की ज़रूरत ना फंसाने चाहिए, पेट भरने के लिए दो चार दाने चाहिए, और जो हुए बंजर शहर की धूल की परतों से वो, जो हुए बंजर शहर की धूल की परतों से वो, गांव के खलिहान फिर से लहलहाने चाहिए, ये तजुर्बा दे दिया है ज़िंदगी ने दोस्तों, ये तजुर्बा दे दिया है ज़िंदगी ने दोस्तों, दिल भले रोता रहे लब मुस्कुराने चाहिए, और रोज़ 10 से 5 तक इस ज़िंदगी को खर्च कर, रोज़ 10 से 5 तक इस ज़िंदगी को खर्च कर, सोचता हूँ अब मुझे पैसे कमाने चाहिए। हमारा एक प्रोजेक्ट इश्क करके इनिशिएटिव है, तो उसके संबंध में भी शेर देखें कि इश्क हो या जंग हो कुछ हो मगर कुछ भी तो हो, इश्क हो या जंग हो मगर कुछ भी तो हो, काटनी है उम्र गर कुछ तो बहाने चाहिए, और दिल किसी बच्चे की तरह एक जिद पे अड़ गया,
दिल किसी बच्चे की तरह एक जिद पे अड़ गया, जुल्फ वो फिर से मुझे अपने सिरहाने चाहिए। और इसका आखिरी शेर कि मर्ज भी कुछ लाजमी है तंदुरुस्ती के लिए, मर्ज भी कुछ लाजमी है तंदुरुस्ती के लिए, इश्क करना चाहिए धोखे भी खाने चाहिए। एक और छोटी सी गज़ल है, चार पांच शेर होंगे इसमें, 2019 में लिखी थी। ये देखिए कि बैठकर मातम मनाएगी ये बस्ती एक दिन, बैठकर मातम मनाएगी ये बस्ती एक दिन, हो चलेगी ज़िंदगी इतनी भी सस्ती एक दिन, और एक पत्ते सा खिजा मैं गुमशुदा हो जाऊँगा। खिजा मतलब पतझड़, कि एक पत्ते सा खिजा मैं गुमशुदा हो जाऊँगा, गुमशुदा हो जाएगी मेरी भी हस्ती एक दिन। और आसमानों से उतर खुद ही जमी पर आ गए, आसमानों से उतर खुद ही जमी पर आ गए, हाथ यूं भी तो कभी आनी थी पछती एक दिन। और इस तरह तो और भी बेजार होता जाऊंगा, इस तरह तो और भी बेजार होता जाऊंगा, एक दिन खुद की खिलाफी खुद परस्ती एक दिन, और उम्र भर ये सोच कर पीते रहे हम गालिबन। गालिब का शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो उस शेर के संबंध में देखिए कि उम्र भर ये सोच कर पीते रहे हम गालिबन, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कुछ कविताएं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक कविता बेसिकली उसको व्यंग्य के रूप में ही लिया गया, लेकिन अगर उसको देखें तो उसमें और भी मेटाफर जुड़े हैं कि स्टैंड ना ले पाना हमारे दौर की सबसे बड़ी कमजोरी है, स्टैंड ना ले पाना हमारे दौर की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं देख रहा हूँ बहता हुआ पानी और फूटा हुआ मटका, वही पानी से भरा मटका जो दीवार के सहारे झुकाकर किसी तरह रखा गया था, अंततः लुढ़क कर फूट गया। बच सकता था वो मटका मगर मटके से कहीं महंगा आता है मटका रखने का स्टैंड, और इतना महंगा होने के कारण ही स्टैंड ना ले पाना हमारे दौर की सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक और आखिरी कविता वो सुना के अक्सर लोग कहते हैं कि तुम ये पजल वजल क्या लिखते रहते हो, प्रेम पर नहीं लिखते हो। तो प्रेम पर क्यों नहीं लिखता, इसका जवाब भी है इस कविता में, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये कविता मैंने प्रेम पर लिखी है। तो सुनिए कि प्रेम पर लाखों कविताएं लिखी गईं मगर कोई भी कविता प्रेम को पूरा नहीं लिख सकी, और अगर इन सारी कविताओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी प्रेम को पूरा नहीं लिखा जा सकेगा। कविताएं प्रेम को पूरा लिख ही नहीं सकती, और मैं प्रेम को आधा अधूरा लिखना नहीं चाहता, इसलिए मैं प्रेम पर कोई कविता नहीं लिखूंगा। मैं प्रेम कर सकता हूं, मैं प्रेम पढ़ सकता हूं, मगर मैं प्रेम पर कोई कविता नहीं लिख सकता, और ना ही लिख सकता हूं मैं कोई कविता तुम पर, क्योंकि मेरा प्रेम तुम हो। और आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्रधाननामा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। और आप जिन भी कवियों को, सागर शहर से संबंधित जिन भी कवियों को आप सुनना चाहते हैं हमें बताएं, वरुण जी के चैनल को बताएं, उन तक बात पहुंचाएं, हम उनको इस प्लेटफॉर्म तक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वरुण भाई।